हेलो एवरी वन अवर टू डेज टॉपिक इज डिटर्मिनेशन ऑफ बेस इंपडेंस इन प्रीवियस वीडियो वी सीन दैट पर यूनिट मेथड ऑफ पावर सिस्टम एंड हाउ टू वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ पर यूनिट ओके नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द सेम नाउ अवर टू डेज टॉपिक इज डिटर्मिनेशन ऑफ बेस इम्पडंस ओके तो अब देखो Uh, i already said there are two types of quantities actual quantity and base quantity okay so the impedance impedance is your base quantity okay base quantity have impedance so you have to calculate the impedance for single phase and for three phase also okay so how uh, you can calculate it the base impedance. Okay, so how can you determine it? How can it calculate? So, for uh, here you can see for single phase circuit, uh, there is uh, what is the formula of our power power equals to V into I. Okay, so if we have to calculate base quantity here and um, always power in, uh, in power system is apparent power means we can take apparent power uh, here so it is denoted by s so we will uh, modified or we will uh, rewrite this formula p equals to vi into s base equals to v base into i base okay s base equals to v base into i base this is your equation number or expression number one okay now uh, all of you know that द जनरल फॉर्मूला ऑफ इम्पेडेंस इम्पेडेंस इक्वल्स टू वी अपॉन आई सो राइट इन एक्सप्रेशन टू इट इज़ शोन जेड बेस इक्वल्स टू वी बेस इन टू आई बेस ओके यहाँ पर हम पर यूनिट वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर रहे बेस वैल्यू कैलकुलेट कर रहे इसीलिए ऑल क्वांटिटीज आर इन बेस ओके जब पर यूनिट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तब आपका एक्चुअल क्वान्टिटी अपॉन बेस क्वान्टिटी आएगा ओके okay. ये आ, कभी भी ध्यान में रखिए इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है आपका सो डोंट बी कन्फ्यूज़ ओके क्लियर पॉइंट है पर यूनिट वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है तो एक्चुअल अपॉन बेस क्वांटिटी करनी है यहाँ पर हम बेस वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं इसकी वजह से हम ऑल वैल्यू मीन्स ऑल क्वांटिटीज आर बेस क्वांटिटीज हियर ओके तो हम यहाँ पर सभी बेस क्वांटिटीज ही ले रहे हैं ओके सो नाउ लेट्स कंसिडर के वी ए बेस एंड के वी बेस विद बेस के वी एंड बेस के वी ओके देन सी देन पर यूनिट वैल्यू ऑफ के वी मीन्स पर यूनिट के वी इक्वल्स टू क्या आएगा पर यूनिट वोल्टेज आप कैल्कुलेट कर रहे हो ना पर यूनिट वोल्टेज इक्वल्स टू क्या आएगा एक्चुअल वोल्टेज अप ऑन बेस वोल्टेज सो हियर वोल्टेज इज रिप्रेजेंटेड इन के वी ओके सो पर यूनिट के वी इक्व टू एक्चुअल के वी मीन्स के वी एक्चुअल अपॉन के वी बेस दिस इज द थर्ड एक्सप्रेशन ओके देन नाउ बेस करंट फ्रॉम द एक्सप्रेशन वन यू कैन कैलकुलेट द बेस करंट ओके सो बेस करंट आई बी इक्वल्स टू के वी ए बेस अपॉन के वी बेस दैट मीन्स एस एस बेस अपॉन वी बेस ओके दिस इज युअर इक्वेशन नंबर फोर नाउ इफ यू इफ़ यू हैव टू कै इफ़ यू कैलकुलेट पर यूनिट वैल्यू ऑफ करंट मीन्स आई पी यू तो सिंपल फॉर्मूला है अगेन क्या आएगा पर यूनिट वैल्यू ऑफ करंट का एक्चुअल करंट अपॉन बेस करंट अब एक्चुअल करंट तो हमें पता रहेगा ओके एक्चुअल करंट हमें पता रहेगा लेकिन बेस करंट जो है बेस करंट हमने की वैल्यू हमने क्या ली सी द एक्सप्रेशन नंबर फोर आई बी इक्वल्स टू के वी ए बेस अपॉन के वी बेस सो पुड दिस इक्वेशन इन द बेस करंट ओके हियर सो यू विल गेट पर यूनिट वैल्यू ऑफ करंट इक्वल्स टू एक्चुअल करंट अपॉन के वी ए बेस मल्टीप्लाइड बाई के वी बेस ओके दिस इज द एक्सप्रेशन नंबर फाइव ओके नाउ अब हमें क्या करना है बेस इम्पेडेंस कैलकुलेट करना है मीन्स जेड बेस कैल्कुलेट करना है सो एज आई टोल्ड इन प्रीवियस वीडियो जेड बेस का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको जेड बी इक्वल्स टू बेस के वी अपॉन बेस के वी इन टू थाउजेंड अपॉन बेस करंट ओके तो अब देखो बेस करंट की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड आउट की है वो क्या है के वी है बेस अपॉन के वी बेस है तो वो वैल्यू हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे तो वी विल गेट जेड बेस इक्वल्स टू के वी बेस इंटू के वी बेस अपॉन के वी ए बेस मल्टीप्लाइड बाई थाउजेंड मींस के वी बेस इंटू के वी बेस इट ईज के वी बेज ब्रैकेट स्क्वेर ओके सो इट इज नथिंग बट के वी बेज ब्रैकेट स्क्वेर इंटू थाउजंड अपॉन के वी ए बेस ओकेज द बेस इंपेडंस झेड बी ओके नाउ सी ये हो गया आपका सिंगल फेज के लिए अफ इफ़ देयर इज़ थ्री फेज़ सिस्टम इज़ देयर अगर थ्री फेज़ सिस्टम होगी वहाँ पर तो क्या होगा फिर सी बेस करंट जो है बेस करंट इक्वल्स टू क्या आएगा आई बी इक्वल्स टू सिर्फ के वी ए बेस अपॉन रूट थ्री के वी बेस थ्री फेज इक्वल इसलिए वहाँ पर रूट थ्री आ जाएगा ओके आ, ये सिंपल इक्वेशन है तो जेड बेस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा आ, सिर्फ हम यहाँ पर आई बेस का जो फॉर्मूला है वो वहाँ पर हम जेड बेस के इक्वेशन में सब्सिट्यूट कर देंगे ओके सो देयर फॉर जेड बेस इक्वल्स टू के वी ए बेस इन थाउजेंड वो हमें पता है डिवाइडेड बाय रूट थ्री इन आई बेस ओके ओके सो मीन्स इट इज़ नथिंग बट एंड इट इज इक्वल्स टू के वी बेस अपॉन रूट थ्री इन टू रूट थ्री के वी बेस अपॉन के वी ए बेस इंटू थाउजेंड मीन्स यहाँ पर अगेन क्या हो गया के वी बेस के वी बेस ब्रैकेट स्क्वायर ओके मल्टीप्लाइड बाई थाउजेंड अपॉन के वी ए बेस तो ये हो गया हमारा झेड बेस तो uh, ये हो गया आपका फॉर्मूला जेड बेस का सिंगल फेस सिस्टम के लिए भी और थ्री फेस सिस्टम के लिए भी ओके नाउ सी अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर यूनिट दिया है बेस इम्पेडेंस को तो बेस इम्पेडेंस को यूनिट आएगा बट पर यूनिट वैल्यू जो है वो डायमेंशन लेस क्वान्टिटी रहेगी उसको यूनिट नहीं आएगा ओके एज आई टोल्ड अर्लियर सो वॉट इज़ द वैल्यू ऑफ पर यूनिट इम्पेडेंस ऑन द बेसिस ऑफ दिस सो जेड पी यू इक्वल्स टू एक्चुअल इम्पेडेंस अपॉन बेस इम्पेडेंस तो क्या आएगा एक्चुअल इम्पेडेंस तो बेस इम्पेडेंस क्या आया है हमारा एक्चुअल इम्पेडेंस अपॉन के वी बेस स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाई थाउजेंड इंटू के वी ए बेस सो दिस इज द वैल्यू ऑफ पर यूनिट वैल्यू ऑफ इम्पेडेंस ओके all of you i hope all of you can understand the determination of base impedance and uh, on the basis of that you can uh, find out the val uh, per unit value of base or per unit value of impedance uh, or in next video we will see the per unit impedance of two winding transformer okay